झाओ ने अब छात्रों के लिए एक मैसेज भेजा है। उनकी वकील के जरिए ये मैसेज आया है जहां उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा कोई ऑफिशियल वीडियो ना आए, जब तक मेरा कोई भी ऑफिशियल वीडियो ना आए जहां मैं बात कर रहा हूं, तब तक आप कोई भी निर्णय ले, कोई भी आंदोलन ना करें। आपको बता दें कि अभी फिलहाल हिंदुस्तानी भाव की गिरफ्तारी हुई है, वो 3 दिन की पुलिस कस्टडी में है। धारावी में आंदोलन करने के बाद शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर आंदोलन करने के बाद उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने छात्रों को उकसाया था और इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में, यानी कल तक 4 फरवरी तक उनकी पुलिस कस्टडी थी। कल वो अरेस्ट हुए थे, जिसके बाद उनकी पुलिस कस्टडी थी, लेकिन उसके बाद लगातार कल से ही एक ऑडियो वायरल हो रहा था, एक मैसेज वायरल हो रहा था जहाँ लिखा गया था कि हिंदुस्तानी भाव के सपोर्ट में सब आए, उन्होंने हमारे लिए, उन्होंने छात्रों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तो 12 बजे आप, मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी जो फोटो लगातार वायरल हो रहा था कि सब हमारे लिए, हिंदुस्तानी भाव के लिए आगे आए। और अब क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया गया है तो इसीलिए उनके लिए जस्टिस चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसके लिए जस्टिस चाहिए। और समय आज का डाला गया है, आज 12 बजे यानी कुछ ही देर में, अभी 12 बजे ये आंदोलन होने वाला था धारावी पुलिस थाने के सामने, धारावी रोड पर ये एड्रेस दिया गया था और ये लगातार वायरल हो रहा था। जिसके बाद आज उनके वकील ने, हिंदुस्तानी भाव के वकील, वो खुद सामने आए और उन्होंने साफ साफ किया कि मैं अभी हिंदुस्तानी भाव से मिलकर आया हूँ। ऐसा कोई भी मैसेज, ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं दी गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक वो बाहर नहीं आते, जब तक उनका कोई ऑडियो वीडियो नहीं आता, तब तक कोई भी आंदोलन ना करे, छात्र आंदोलन ना करे। ये लगातार ये वीडियो जो ऑडियो था उस था, ये लगातार वायरल हो रहा था, जिसके बाद खुद हिंदुस्तानी भाव के वकील ने ये साफ तौर पर कहा है कि हिंदुस्तानी भाव ने ऐसा कोई भी आंदोलन करने के लिए किसी को भी नहीं कहा है। लोग अभी छात्र आंदोलन ना करें, वो अपने घर पे रहें, फिलहाल जो निर्णय लिया गया है उस पर मान करें। ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए लड़ाई जारी रहेगी कि ऑफलाइन एग्जाम्स ना हो, ऑनलाइन ही हो। लेकिन आज उनके वकील ने ये साफ तौर पर किया है कि हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आंदोलन करने के लिए ऐसा कोई भी मैसेज नहीं दिया गया था। मैं एडवोकेट महेश मुले बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी भाव का एडवोकेट। मैं अब भी हिंदुस्तानी भाव को मिल के आया, उन्होंने मुझे बताया कि उनको ये मालूम पड़ा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज भाव के नाम पे कुछ वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अपने को कल सुबह जब ये जगह पे मिलना है, एग्रीटेशन करना है, सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। तो भाव ने, ये हिंदुस्तानी भाव ने ये सबको मैसेज दिया है कि मैं जब तक बाहर आऊ नहीं, मैं किसी को मिलू नहीं, मैं खुद का पर्सनल वीडियो रिलीज करूँ नहीं, तब तक मुझे ये सब स्टूडेंट से, मेरे सब फैन फॉलोअर से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं मिलूंगा नहीं, तब तक कोई भी मेरे और मेरे बिहार पे कोई भी वीडियो रिलीज हुआ तो उसको बिलीव मत करना, किधर भी गैदरिंग, सोशल गैदरिंग मत करना और किधर भी जाके एग्रीडेशन मत करना, क्योंकि मेरे नाम पे कोई एंटी सोशल एक्टिविटी ये सब कर रहे हैं और उसका फायदा लेके ये पुलिस को और सिस्टम को तकलीफ देने की सोच रही है। तो प्लीज 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 मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं खुद आऊंगा और मैं ये वीडियो रिलीज करूंगा। आप सुन रहे थे, साफ तौर पर हिंदुस्तानी भाव के वकील ने ये साफ साफ कहा है, महेश मुले हिंदुस्तानी भाव के वकील जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्र आंदोलन ना करें। तो ये रिक्वेस्ट है कि जो ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए लगातार छात्र लड़ रहे हैं 10वीं और 12वीं के, जो कुछ ही दिनों में एग्जाम्स होंगे, फरवरी महीने से 12वीं के एग्जाम शुरू हो सकते हैं, आसार है 15 फरवरी को, 15 फरवरी तक। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि इसके ऑफिशियल चीज़ों की जानकारी ली जाएगी कोरोना को देखते हुए। और उसके बाद लगातार आंदोलन चल रहा था, 10वीं और 12वीं के छात्र आंदोलन कर रहे थे और उसी के सपोर्ट में हिंदुस्तानी भाव आए थे, जहां उन्होंने धारावी में 30 और 31 जनवरी को आंदोलन किया था। काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी भारी तादाद में वहां पर छात्र जमा हुए थे। हिंदुस्तानी भाव ने वहां चेतावनी भी दी थी कि अगर अब नहीं माने तो हम इससे तीव्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने खुद कहा था कि वो सामने आकर बात करें, लेकिन इसके बाद उनकी गिरफ्तारी, हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने
छात्रों को उकसाया था। उन पर ये आरोप लगी थी कि उन्होंने छात्रों को आंदोलन करने के लिए उकसाया था, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेजा गया है। और लगातार कल से ये जो पोस्ट था, ये ऑडियो वायरल था, वो लगातार वायरल हो रहा था कि छात्रों को आज 12 बजे धारावी में आंदोलन करना है, लेकिन उनके वकील ने ये साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो कृपया स्टूडेंट्स आंदोलन ना करें जब तक वो कोई अपना ऑफिशियल वीडियो जारी नहीं करते।